कुख्यात बॉलीवुड सिंगर इंद्राणी शर्मा बीते दिन मध्य भारत के सबसे आधुनिक म्यूजिक स्टूडियो दबंग म्यूजिक स्टूडियो में पधारी, जहां उन्होंने गायकी से जुड़े हुए सवालों का जवाब दबंग न्यूज को दिया। मौके पर ख्यात गायक डॉक्टर किशोर वाधवानी भी मौजूद रहे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इसका उदाहरण आज हम लेकर आए हैं हमारी खास बातचीत के एपिसोड में, और आज हम मिल रहे हैं फेमस सिंगर इंद्राणी शर्मा जी से। नमस्कार इंद्राणी जी। सबसे पहले तो इंदौर में इंदौरियंस स्वच्छता में नंबर वन है और बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको इंदौर में क्या अच्छा लगा। मुझे सच में आपने जो स्वच्छता आपने जो बोला, ये अभी मोदी जी का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो सबसे बड़ा उदाहरण मुझे यहीं से मुझे देखने के लिए, मतलब मैं देख रही थी कहीं से कुछ तो मतलब समथिंग दिखे कि हाँ राइट, यहाँ पे स्वच्छता नहीं है, बट येट नाउ मतलब हर जगह पे मुझे स्वच्छता दिखी, तो आई एम सो मच हैप्पी अबाउट इंदौर। आपने प्लेबैक सॉन्ग से स्टार्ट किया है और आपका बॉलीवुड तक का सफ़र कितना स्ट्रगल वाला रहा? स्ट्रगल तो रियली स्ट्रगल कई तरीके का होता है, दैट्स सबसे बड़ी बात है, इंसान को अपने साथ स्ट्रगल। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ टिप्स देके जाते हैं, वो आपके कुछ अच्छाइयाँ जो है वो बोल के जाएंगे, बट समथिंग कुछ नुक्स भी निकालेंगे, बट वो हाउ यू टेकिंग एट दैट मोमेंट एंड हाउ यू टॉलरेट विद दैट, वो सबसे बड़ी स्ट्रगल है। या दैट्स वो मैंने फील किया है, बट बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिला एंड अभी भी सीख रहे हैं, ये तो जर्नी है। हाँ, वैसे सॉन्ग्स में आप किस तरह के गाने गाना आपको बेहद पसंद है? आपने कवर सॉन्ग्स भी गाए हैं, मैशअप भी गाए हैं, तो किस तरह के? तो मुझे सॉन्ग्स जो है वो मेलोडी सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मुझे लगता है समथिंग कुछ वर्क एबिलिटी जो दिखे एंड समथिंग कोई तो जो सुनने वाले होते हैं वो एटलीस्ट थोड़ा नोटिस करें कि या राइट, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस थिंग शी हैज डन दिस टाइप ऑफ। वर्तमान में जो हमारे प्रेजेंट में एक्चुअली सिंगिंग का जो सिनेरियो है और ओल्ड के कंपैरिजन में, क्या लगता है आपको कि क्या जो वर्तमान सिनेरियो है सिंगिंग को लेके, अभी करियर बनाना इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में बनाना आसान है पहले के कंपैरिजन में या फिर मुश्किल है? अभी हालांकि मैं ये बोलूँगी आसान तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बट पहले ज़माने में इट्स यू नो डिपेंड अपन मतलब म्यूज़िक कंपोजर्स, डायरेक्टर्स एंड बहुत सारे, पर आज के डेट में जब से यूट्यूब आया है, गूगल आया है, तो समवॉट एवरीबडी कैन मेक अपना चैनल बना सकते हैं, उसमें आप अपना प्रोडक्ट अपने एबिलिटी सब रख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं देश में के कोने कोने में छोटे छोटे बच्चे जिनके जो एबिलिटीज़ होते हैं रातों रात फेमस हो जाते हैं, इट्स द वेरी गुड गिफ्ट ऑफ द यूट्यूब और अल्टीमेटली ये मॉडर्न जनरेशन का बहुत बड़ा सौगात है। जैसा कि मैंने आपका सॉन्ग बहुत सारे सुने लेकिन आपका एक वारिया बहुत फेवरेट भी बना लोगों का, तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए एक बार या थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? हाँ, एक बारी मेरा तभी रिसेंटली टी सीरीज से रिलीज़ हुआ था एंड उसके बाद मैंने और भी काफ़ी सारे गाने मैं टी सीरीज़ के लिए गा चुकी हूँ एंड आज भी मैंने जब यहाँ आ रही थी मैंने दो गाना गा के आई, तो वो दोनों गाने भी फॉर टी सीरीज़ में जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी मैं घर से तैयार हो गई और जल्दी जल्दी मैंने गाना गाई एंड एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगा था ओ माय गॉड, थोड़ा सा अगर फ्लाइट थोड़ा सा बाद में होता तो आई विल एंजॉय इट, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मैं टाइम पे मैंने दोनों गाने कंप्लीट किए और मैं बिल्कुल प्लानफुली विथ टाइम एंड एवरीथिंग मैं एयरपोर्ट पहुंच के ना। हाँ, मैं मेरे जो गाने हैं जो मेरे खुद के गाने बहुत मुझे पसंद है, मैं एक एक लाइन जो भी है थोड़ा थोड़ा आप लोग के लिए आप लोग के सामने, तो मेरा सबसे एक हिट गाना रहा है टी सीरीज़ का, वो मतलब अभी तक 90 मिलियन के ऊपर है और जो भी सारे स्लॉट्स में जो रिलीज़ हुआ अलग अलग चैनल के थ्रू
कुछ टी सीरीज के थ्रू मतलब 3-4 सेक्शंस रिलीज हुए हैं, जैसे ऑडियो सेक्शन हो गया, HD हो गया, वीडियो हो गया, एक इस तरीके से। और वही सॉन्ग को काफ़ी सारे लोगों ने पिक करके मतलब अलग वीडियो डाल के फॉर देयर ओन चॉइस, तो उस तरीके से भी किया और काफ़ी बहुत ज़्यादा वो गाना वायरल है। तो वो सॉन्ग मैंने लव शप प्यार व्यार के लिए गाया था और वो गाना सब मिला दिया जाए तो 100 मिलियन के ऊपर लोगों ने इसको देखा है, देश विदेश के बहुत सारे लोगों ने देखा। ऐसे ऐसे कमेंट्स उसमें हैं जो हमें नहीं समझ आता, बिकॉज दे आर द कमेंट्स आर एक्चुअली फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो हिंदी होता या इंग्लिश होता तो हमें समझ में आता, बट इट्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, उसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चलता, बट स्टिल इट्स वेरी प्लेजेंट एंड बहुत ही अच्छा, ओवरवेलमिंग एक बहुत ज़्यादा अच्छी एहसास है। वो गाना में दो लाइन जिस्म को जिस्म से आज मिल जाने दो, लबों को लबों से टकराने दो, बेहया बेशरम आज बन जाने दो, आज की रात हद से गुजर जाने दो। ये सॉन्ग कौन सी सीरीज, ये 100 मिलियन के ऊपर। और यूथ को आपके सॉन्ग्स जनरली बहुत टच भी करते हैं, ये सॉन्ग्स आर हार्ट टचिंग। सो मैम, जैसा कि हमारे दबंग दुनिया के चेयरमैन सर और वाधवानी सर जो इंदौर के पैशनेट सिंगर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने दबंग स्टूडियो से म्यूजिक को बढ़ावा देने की कोशिश की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वाधवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बिल्कुल इनके ऑफिस में, इनके स्टूडियो में अभी इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आई एम वेरी मच लकी और बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड फील हो रहा है। और वाधवानी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, क्योंकि ही इज़ सो म्यूज़िकल और सो हम्बल, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन मुझे देखने के लिए मिला, एंड मुझे इनसे बात करके बहुत ही मज़ा आता है, बिकॉज ही सो मच म्यूज़िकल और बहुत ही हम्बल पर्सन है और सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, दैट्स वेरी बिग थिंग फॉर न्यू जनरेशन एंड जो लोग म्यूज़िक के प्रति काम करते हैं, वेरी गुड, थैंक यू मैम।